हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं CKPS स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं छोटू कुमार, जो कि आज का जो मेरा क्लास होगा क्लास 10th बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर साइंस का होगा। तो साइंस का जो कि है, मैं आज इसमें 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड का 2021 में तैयारी कर रहे हैं तो आप जो कि है इसको मॉडल पेपर को भी ठीक से एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, तब आपको जो कि 90+ जो कि 100 में 100 कह रहे हैं कि आपको जो कि मार्क्स दिलाकर रहेगा, ठीक है। तो आप जो कि वीडियो को समय को ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे स्टार्ट करता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी में फ्रांस, सी में नीदरलैंड, डी में भारत। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए के बी, ठीक है। फ्रांस जो है वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित रखता है, तो फ्रांस से संबंधित रखता है। ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है पवनों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया भारत, बी में फिनलैंड, सी में डेनमार्क, डी में अमेरिका। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी डेनमार्क जो है पवनों का देश कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है परिमाण, बी में दिशा, सी में ए और बी दोनों, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं, परिमाण भी होते हैं और दिशा भी होते हैं, ठीक है, ए और बी यहाँ पर दोनों होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया निकेल एवं क्रोमियम, बी में नाइट्रोजन एवं कार्बन, सी में निकेल एवं कार्बन, डी में नाइट्रोम एवं क्रोमियम। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 का जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए निकेल एवं क्रोमियम जो है, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो निकेल एवं क्रोमियम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो कि है 5, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो कि है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों, जो कि 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है, ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर मेरा बिल्कुल करेक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है जूल कूलाम किसके बराबर होता है। तो जूल कूलाम जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया ओम, बी में वोल्ट, सी में एम्पियर। तो यहाँ जूल कूलाम जो होता है दोस्तों, जो कि वोल्ट के बराबर होता है, आप इसे याद रखेंगे, वोल्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा विभांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया ओम, बी में कूलाम, सी में वोल्ट, डी में एम्पियर। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 7 का जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि वोल्ट, ठीक है, वोल्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट है, विभांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है विभांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में मैनोमीटर, बी में वोल्टामीटर, सी में अमीटर, डी में वोल्टामीटर। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि 8 का जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, वोल्टमीटर जो है विभांतर मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन है, कह रहा शक्ति का एसआई मात्रक है क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में है न्यूटन, बी में वोल्ट, सी में वाट, डी में जूल। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है, जो यहाँ पर बिल्कुल ये जो कि है वाट होता है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में है कि वास्तविक होता है, बी में कह रहा है काल्पनिक होता है, सी में कह रहा है कभी काल्पनिक तो कभी वास्तविक होता है, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 10 का जो कि बी होगा, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो कि कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि अवतल दर्पण से बनता है, या समतल दर्पण से, या उत्तल दर्पण से, या सब प्रकार के दर्पण से बनेगा। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 11 का जो मेरा सही करेक्ट आंसर, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जब बनता है तो वो सुखीय समतल दर्पण से बनता है, समतल दर्पण, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए
कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में समतल दर्पण, डी में उपयुक्त सभी। तो हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो कि समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में बेलनाकार लेंस, डी में उत्तल एवं अवतल दोनों। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 13 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जो कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यानी अवतल लेंस जो होता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल। यही पूछते था कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 करा धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने को यंत्र को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में आमीटर, सी में वोल्ट मीटर, डी में कूलाम, डी में एम्पियर। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 14 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए होगा, आमीटर जो है धारा मापने का यंत्र को कहते हैं आमीटर। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए में दृष्ट धारा, बी में प्रत्यावर्ती धारा, सी में दोनों धाराएं, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 15 का जो कि ऑप्शन सी, दोनों दृष्ट धारा और प्रत्यावर्तित धारा जो कि है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्ट धारा भी प्राप्त होता है और प्रत्यावर्तित धारा भी उससे प्राप्त होता है। हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दोनों जो कि धाराएँ उससे प्राप्त की जाती है। ठीक है, डायनेमो से। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करा आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में कूलाम, बी में वाट, सी में एम्पियर, डी में वोल्ट। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है जो कि होता है कूलाम। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 करा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्या होता है? ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए में नवीकीय ऊर्जा, बी में सौर ऊर्जा, डी में कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी में करा प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो कि सौर ऊर्जा होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो ऑप्शन ए में कार्बन, बी में ब्रोमीन, सी में आयोडीन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो 18 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आयोडीन जो है इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन जो कि अधातु होते हुए भी ये चमकीला होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में दिया गया 2, बी में 5, सी में 6, डी में 8। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है। ठीक है, कार्बन का 6 होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो कि है 20 कह रहा है कि PbS प्लस कॉपर क्लोराइड को अगर संयुक्त करेंगे तो Pb क्लोराइड कॉपर कैल्शियम क्लोराइड प्लस कॉपर का उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ए में विस्थापन अभिक्रिया, बी में वियोजन अभिक्रिया, सी में द्विध्रुवीय विस्थापन अभिक्रिया, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 20 का जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा उसे मैं कहूँगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 करा लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में संरक्षण क्रिया उसे कहेंगे, बी में करा गैल्वीकरण क्रिया कहेंगे, या सी में करा पानी चढ़ाना, डी में विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 21 का जो कि ऑप्शन बी गैल्वीकरण क्रिया उसे कहेंगे। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वीकरण कहते हैं, आप उसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 करा जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करके जो कि फलस्वरूप उसमें कौन सा गैस बनता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया CO2 यानी हो गया ये कैल्शियम ऑक्साइड, बी में करा सोडियम, सी में हाइड्रोजन, डी में सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 22 का जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी हाइड्रोजन जो है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कर उसका फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का है करा निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो
तो ऑप्शन ए में दिया गया है कॉपर, बी में जो कि हैगजिंग, डी में जो कि अगर, सी में जो कि एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन जो कि ए होगा, कॉपर जो है, कॉपर जो निम्नलिखित में कौन सा कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर है, सी ई यू, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न में से कौन अधातु है, तो ऑप्शन ए में लोहा, बी में कॉपर, सी में एल्यूमिनियम, डी में जो कि एग्रन। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो कि 24 का जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी होगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, जो कि कॉपर जो है, कॉपर जो कि निम्न में से कौन सा धातु है, तो कॉपर्स, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कैल्शियम कॉपर की परमाणु संख्या हो क्या होता है, तो ऑप्शन ए में दिया गया 12, बी में 13, सी में 19, डी में 20। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी होगा, 13 होगा, सी ए की परमाणु संख्या क्या होता है, 13 होता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो आप इसे जल्दी से लाइक कर शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, और एक दूसरे को बताइए कि आखिर ये जो कि क्लास 10th का जो कि CKPE स्टडी से तैयारी कराया जा रहा है, तो हर सब्जेक्ट से धीरे धीरे लेवल बाई लेवल जो कि चलता आएगा। तो दोस्तों जब तक के लिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।